स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम मेगा प्रोजेक्ट पे वीडियो देखने जा रहे हैं, जो पिछले कुछ सालों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो उसके ऊपर ही शायद दस ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक्सप्लोर इंडिया चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में इस समय कौन से मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी बदौलत हमारी अर्थव्यवस्था आगे आने वाले सालों में तरक्की की नई इबारत लिखने को तैयार है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपसे इन बड़ी परियोजनाओं की डिटेल शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी देश का बुनियादी ढांचा उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, जो सड़क संचार से लेकर बिजली तथा हवाई अड्डों समेत तमाम जरूरी सुविधाओं का नेटवर्क तैयार करता है। मोदी सरकार ने बीते साल 2022 के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई जरूरी कदम उठाए। मेक इन इंडिया से लेकर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना तक सरकार ने कई तरीकों से परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार क्षेत्रों में निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2025 तक जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लोगों को दिखाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश पर खासा जोर भी दिया गया है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो न सिर्फ देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे बल्कि अर्थव्यवस्था के विकास को भी बल देंगे। नंबर 1, भारतमाला प्रोजेक्ट। ये परियोजना देश में बड़ी और चौड़ी सड़कों तथा हाईवे के विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे देश में आर्थिक गलियारों, दूसरे देशों की सीमा से सटे इलाकों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के इरादे से केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा साल 2017 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसकी कुल लागत लगभग 5.35 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल इसका स्टेटस अंडर कंस्ट्रक्शन है। नंबर 2, सागरमाला परियोजना। साल 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है। ये परियोजना एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और घरेलू व्यापार में माल ढुलाई और आवाजाही की लागत को कम करने के लिए बनाई गई है। इस परियोजना की परिकल्पना सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को प्रस्तुत की थी, लेकिन इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई। इस योजना में 12 स्मार्ट शहर तथा विशेष आर्थिक जोन को शामिल किया गया है। इसकी कुल लागत करीब 5 लाख करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेटस में ही है। नंबर 3, बुलेट ट्रेन। जापान और भारत ने 2015 में एक समझौते के तहत मुंबई से अहमदाबाद के बीच जापानी तकनीक वाली बुलेट ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की थी। सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। फिलहाल इसका स्टेटस अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहले इस परियोजना की डेडलाइन इस साल 2023 में थी, लेकिन फिर और देरी की खबर आई और अब साल 2026 में इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। नंबर 4, 5G सर्विस। इस परियोजना से देश में अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट का रास्ता खुल जाएगा। कई शहरों में ये सेवा शुरू हो चुकी है, तो वहीं एयरटेल का दावा है कि मार्च 2024 तक देश के हर कोने में 5G सर्विस पहुंचा देंगे। इसके शुरू होने के बाद देश में इंटरनेट की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। ई मेडिसिन, एजुकेशन, रूरल सेक्टर और कृषि को काफी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको एरोस्पेस के मेगा प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो उसकी हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 5, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक लेन। भारत इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बनाने जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा, जिसकी लंबाई 1300 किलोमीटर होगी। ये दिल्ली और मुंबई के बीच बनेगा। ये योजना अभी शुरुआती चरण में है। सरकार इस इलेक्ट्रिक हाईवे पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए एक बढ़ावा मिलेगा। नंबर 6, मुंबई रोपवे। मुंबई पोर्टर्स द्वारा सिवाड़ी से एलिफेंटा तक समुद्री मार्ग पर 8 किलोमीटर का रोपवे बनाया जा रहा है।
जो दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे होगा। इससे बहुत कम समय में ज्यादा पर्यटक एलिफेंटा की यात्रा कर सकते हैं। इसमें 30 सीटर केबल कार्स होंगे। लगभग 8 से 11 टावर यहां लगाए जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि ये रोपवे घारापुरी के एलिफेंटा द्वीप तक महज 14 मिनट में पहुंचा देगा, जहां इस दूरी को नाव के जरिए पूरा करने में 1 घंटे का समय लगता है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये भारत का पहला रोपवे प्रोजेक्ट होगा। नंबर 7, हिमांक। ये परियोजना भारत ही नहीं पूरे दुनिया का वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। इसे 1985 में शुरू किया गया था, लेकिन ये अभी भी ऑनगोइंग है। इसमें इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ये दुनिया का मोटर रोड है जो ग्लेशियरों में उकेरी जा रही है। ये सड़क पूर्वी लद्दाख में सासोमा गांव से साशेर तक बनाई जा रही है। मौसम की वजह से इन बर्फीली जगह में काम करना बहुत मुश्किल भरा होता है। नंबर 8, सेंट्रल विस्टा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री आवास के साथ कई नए कार्यालय भवन और केंद्रीय सचिवालय का निर्माण भी किया जाना है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसकी लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है और इसके पूरा होने की उम्मीद 2026 में है। नंबर 9, नर्मदा घाटी परियोजना। ये मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। ये विकास प्रोजेक्ट प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली नर्मदा नदी पर केंद्रित है। नर्मदा से जुड़े इस खास परियोजना में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनने जा रहा है। 600 मेगावाट वाले इस परियोजना में अनुमानित निवेश 3000 करोड़ रुपए का है और इस प्रोजेक्ट से इस साल उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। नंबर 10, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को काफी बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट का बजट 16,700 करोड़ रुपए है। इसे साल 2032 तक 4 फेज में पूरा किया जाएगा। इसका पहला फेज दिसंबर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। यहां साल में करीब 90 मिलियन पैसेंजर की आवाजाही होगी। जितने भी इन्होंने जितने प्रोजेक्ट बनाए हैं ये जरूरी हैं, और इन्होंने शुरू में बताया कि एक मुल्क की तरक्की याफ्ता होने का सबूत होता है कि उसकी सड़कें, उसके एयरपोर्ट्स, उसके डैम वगैरह, उसका मतलब हर किस्म का प्रोजेक्ट, पार्क वगैरह या टूरिस्ट के लिए कुछ बनाना, जैसे वो लैन बन रही थी वो नदी पे एक, वो फ्यूचर जो है यकीन करें वो मजे वाली होगी और उससे व्यू भी सारा नीचे वाला देखने को मिलेगा और एक जजीरा अलग किस्म की राइड होगी ना। मतलब इंडिया के ये जितने भी प्रोजेक्ट है ना, जो अभी बताए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो भी 400-500 बिलियन के, हर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है भाई। अगर मिलाए कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है भाई, अगर सारे देखो 400-500 बिलियन डॉलर के, हाँ सारे 400-500 बिलियन डॉलर। ट्रेन देख लो भारत की जो स्टार्ट हो गई है, मतलब ये सारों पे काम तेजी से चल तो रहा है, लेकिन अब ये देखो काम बहुत, इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट हैं, तो टाइम तो लगता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले तो ये कोई ऐसा वीडियो नहीं था कि जो इस प्रोजेक्ट इस साल शुरू होने वाले है या वो खत्म हो गए हो, तो ये सब तो प्रोजेक्ट जो बताए इस वीडियो में वो सब तो पूरा नहीं थे, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट या उसके कितना खर्च होने वाला है वो सभी इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने इस वीडियो में बताए वो सब तो शायद 2024-26-30 ऐसे ही वो बन के तैयार हो गए, तो ऐसा तो नहीं था कि वो प्रोजेक्ट्स इस साल शुरू होंगे या फिर खत्म हो गए हो या फिर इस साल ही खत्म हो जाएंगे। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।